आप देख रहे हैं पुलिस वाला बाब न्यूज, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता। शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमांद्री सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर गरीब के साथ है, हर किसान के साथ है। सांसद हिमांद्री सिंह ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आज हर किसान के खाते में 6,000 रूपए केंद्र सरकार की ओर से और राज्य में बैठी शिवराज सरकार द्वारा 400 रूपए की राशि आती है। प्रवास के दौरान हिमाद्री सिंह ने कहा कि उमरिया जिला में प्रत्येक पात्र हितग्राही को शासन की योजना का लाभ मिलता है। आज पूरे देश में आयुष्मान योजना के तहत लाखों लोगों का इलाज फ्री में होता है। भाजपा की सरकार का गुणगान करते हुए कहा कि हमारी सरकार जन्म से लेकर मृत्यु तक पैसा देती है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के विवाह, बैगा आदिवासी महिलाओं के खाते में शिवराज सरकार द्वारा राशि डाली जाती है। दिनांक 23 जनवरी 2023 दिन सोमवार को ग्राम पंचायत चुल्हारी में विशाल जनसभा को संबोधित किया गया, जहां पर हजारों की तादाद में क्षेत्र के लोग सांसद हिमाद्री सिंह का उद्बोधन सुनने आए हुए थे। ग्राम चुल्हारी में सांसद हिमाद्री सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष का स्वागत भव्य रूप से किया गया। जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने कहा कि कार्यकर्ता भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी है। उमरिया जिला का प्रत्येक बूथ भाजपा कार्यकर्ता के बलबूते पर जीतेगी। सांसद और जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में भाजपा संगठन में 35 नौजवानों द्वारा सदस्यता दिलाई गई। कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य ज्ञानवती सिंह, महामंत्री अर्जुन सिंह सयाम, महिला मोर्चा अध्यक्ष कुसुम सिंह, भाजपा जिला के उपाध्यक्ष सुरेंद्र गौतम, सांसद प्रतिनिधि उदय भान द्विवेदी और क्षेत्र के तमाम मीडिया साथी रमाकांत तिवारी, वीरेंद्र प्रभाकर, राजश्री मिश्रा सहित अन्य व्यक्ति मौजूद रहे। हमारे एक भाई साहब बैठे थे, उन्होंने कहा यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत लचर है, जिस कारण से इलाज के लिए हमें दूर या तो उमरिया जाना पड़ता है या बरही जाना पड़ता है। तो उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके ये आग्रह करूंगी कि हमारा ये ग्राम चिल्हारी जो है, अगर यहाँ पर एक स्वास्थ्य सुविधा, यहाँ पे पीएचसी नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो बात आप लोगों के माध्यम से आई है, मैं उसके लिए भी मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द यहाँ पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो।